सबसे पहले तो मैं शबीना मैम को अपना गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि जो हमने फिल्म के शूटिंग के पहले हमने करीब 1.5-2 महीने बस 60s और 70s के गाने पे प्रैक्टिस की, उस ज़माने के जो एक्टर्स थे राजेश खन्ना जी, देवानंद, और भी जो बाकी कलाकार थे शम्मी कपूर, इन सब के गानों पे बहुत जम जम के डांस किया। इनके पूरे ग्रुप रहता था इनका साथ में, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेती थी, मेरे ड्राइवर से लेकर मेरी मैनेजर सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में, और पूरा इम्प्रोवाइज करते थे और साथ साथ कभी कभी कुछ स्टेप्स भी कोरियोग्राफ करते थे। तो उस ज़माने के कैरेक्टर में डालने के लिए इन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की, एंड मैं ऑलवेज इनके लिए थैंकफुल रहूँगा, इनके लिए और शर्जिल भाई के लिए जिन्होंने बहुत गाइड भी किया। और आई थिंक इनका काम ही इनके बारे में सब कुछ बोलता है। पांचों के पांचों जो गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, वो उन सब पे जो प्यार बरस रहा है, और जो थिएटर में लोग, आई थिंक ये पहली फिल्म है जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि, क्योंकि चल तेरे इश्क का वीडियो नहीं आया था बाहर, लोग थिएटर में जा रहे थे बस वीडियो को ऑडियो के साथ सुनने के लिए। ये बहुत ज़माने बाद ऐसी चीज़ हुई है कि लोग गाना देखने के लिए पिक्चर जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड शी डिजर्व्स दिस मोमेंट। यस, यस, आई थिंक गदर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे लिए। जब मैंने साइन किया था, मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ जब सब हो गया था, बट इतना, मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इन पास्ट 20 ईयर्स मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज़ देखा नहीं है पर्सनली। तो आज जब मूवी रिलीज़ होगी और इतना क्रेज़ हो गया है, मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है, दैट्स फॉर द सॉन्ग। किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी आज से बहुत साल पहले, और वो सेम चीज़ हमें इतने सालों बाद देखने मिली है। तो आई थिंक मैम, थैंक यू, मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी, मतलब मैम थैंक यू, थैंक यू मैम। जी कैसे हैं? जी जरूर, ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर 2 की सबसे बड़ी जो का सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा। तो इसलिए इतने साल भी लग गए कहानी को ढूंढने में, एक सही कहानी मिले, एक सही यू नो, एक सही प्लेटफॉर्म मिले, जो किरदार हैं तारा सकीना जीते और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद इकबाल और मुस्कान, इन सब के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म हो। तो गदर 2 की जो कहानी थी, हमें लगा कि हम उसी तराजू पर तोल सकते हैं, और गदर का जो ब्रांड है हम उसे एनकैश नहीं करना चाहते थे। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे। तो आई थिंक गदर 2 ने ये कर दिखाया है और करते जा रही है अभी भी, आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, आज भी टिकट नहीं मिल रही है। तो ये बहुत प्यार है ऑडियंसिस का, ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन, सारे क्रू की और सारे एक्टर्स की, जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था, तो उसमें जो मीडिया भी जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है। सो थैंक यू एवरीवन सो मच। एंड आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं अनिल जी को याद करूँगी यहाँ पर, जितनी भी बात उत्कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पर भरोसा नहीं होता। अनिल जी नहीं है लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर मैं आपकी एक लव्य हूँ, मैं असिस्टेंट नहीं थी लेकिन मैं दूर से आपके फिल्म के थ्रू, और जो भी फिल्म पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहती थी, आपसे सीखती थी, और वही चीज़ मैंने जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है वही मैंने गदर में डाल दिया। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को, भले वो कितने भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए चूज़ करना, ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। कि इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, वो उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने टोज पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की, और गदर के लिए बहुत तैयारियां की। जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेस किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिलीजुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है, तभी हम टेक्नीशियंस उसको संवारना शुरू करते हैं।
तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, और ख़ुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं इसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है। उत्कर्ष, मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ एंड आई लव हिम अ लॉट फॉर। ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज्जत देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला टेक्नीशियंस को, बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ये मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज़ को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वॉज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती ऐसे। इवन फॉर हर गोज थेम दिए, मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे, ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, मैं बोलती थी सिमरती होके, नहीं मैम मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो और इतनी, मतलब ये भी इतनी फोकस्ड है, मुझे थोड़े सा नाराज़गी होती थी कि आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, लेकिन ये दोनों ने तो कमाल कर दिया कि मेरा जो काम दिखाई दे रहा है, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनके बगैर तो कर ही नहीं पाती। टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग दीज टू सॉन्ग्स विद बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ माय डार्लिंग्स, बिकॉज ये नहीं पर्दे पे करते उस तरीके से, उस संजीदगी के साथ जो मैं चाहती थी, तो मैं अपनी कला कैसे दिखा पाती। इवन सिमरत, शी डिडंट गेट चांस टू रिहर्स फॉर मेनी डेज, बट जितना भी रिहर्सल मिला शी फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन मी। ऐसे वो घोड़े का चश्मा लगा के आती थी और वो मेरे सिवा किसी को देखती नहीं थी। मेकअप हेयर अगर उसको कुछ ठीक करे तो उसको पता ही नहीं कोई कुछ कर रहा है, यू नो। हर कॉस्ट्यूम्स वर सो डिफिकल्ट कि कोई अगर और एक्ट्रेस होती तो वो बोल देती मुझे ये नहीं करना। जो वाइट वाला पोर्शन है चलते रेश में, दो लड़कियाँ उसका घाघरा पकड़ के खड़ी होती थी पीछे, वो इतना हैवी था। एवरी कॉस्ट्यूम वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी नेल्ड इट विद एवरी डिफिकल्टी, यू नो। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत DMs आते हैं मुझे। एक सबसे बड़ी बात पूछी कि ये दोनों नए हैं लेकिन ये नए लगते ही नहीं हैं, ये ऐसे लगते हैं ये बहुत सालों से गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो उसका जवाब शायद मैं आज देना चाहती हूँ। ये इसलिए हुआ कि इन दोनों का फोकस, डिटर्मिनेशन, और ये बाहर कुछ दुनिया को जानते ही नहीं थे, ये सिर्फ इसी फिल्म को और इन्हीं गानों के अंदर बसे हुए थे। तो आई थिंक ये इसकी वजह से ही होता है, जब आप पूरी तरह से इसमें झोंक दो अपने आप को और आप एक डायरेक्टर का बंदा बन जाओ, एक्टर बन जाओ, तभी होता है। एक छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने बोला है कि जब वो बिरयानी बन रही थी, जिस तरह जीते ने बिरयानी पे, मुझे वो चीज़ें पूछी है लोगों ने कि मैं हैरान हूँ कि इतना फोकस किया लोगों ने। एंड ही वुड प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो, मैम ये करेक्ट है, नहीं मैम आप फिर से देखो, हाँ करेक्ट, नहीं मैम एक बार आप जैसा नहीं आ रहा है, ये शर्जिल वाला झूम झूम स्टेप, नहीं मैंने शर्जिल जैसा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक यू नो लॉन्ग टर्म, ये जो एक्टर्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं, ये उनकी कलाकारी है जो इन दोनों के अंदर है। एंड आई एम रियली थैंकफुल के वी वर्क टुगेदर। देखो एक और चीज़ याद है मैम, जब हम सॉन्ग्स की शूट कर रहे थे दिल झूम झूम और चलते रिश्क में, तो मैम ने कहा था कि मुझे जीते और मुस्कान से प्यार हो गया है, आई एम इन लव, और ये मैं प्यार में पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैम ने एक और चीज़ बोली थी, मुझे तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि तुम लोग 10 साल से प्यार में हो, जो तुम ऑन स्क्रीन कर रहे हो। एब्सोल्युट। तो मैम बोलती है कि ऐसा लग रहा है 10 साल से तुम लोग प्यार में पड़े हुए और वो दिख रहा है। मैम इट वॉज ऑल योर लव एक्चुअली, जो आप जिस प्यार से आप हमें देख रही थी, आई थिंक उसके वजह से ये हुआ। सो या पूरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं, लोग जानने लगे हैं आप ये कौन है, आप किस तरह के गाने करते हैं, तो फ्यूचर प्लान्स क्या और इतने दिन छुपे रहने का कारण क्या है और अपने आप को एक्सपोज करने का क्या कारण? नहीं, कारण ये है कि आजकल ज़माना जो है वो जो कोरियोग्राफर्स जज बन के टीवी पर आते हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं। तो आम जनता जो है जिसके सबके घरों में टीवी है, 2x4x4 के घर में भी आपको टीवी मिलेगा, यू नो। तो ये जो जनता है जिसे हम मासेस कहते हैं, जो हमारी लवली ऑडियंस है, इनको सबको यही लगता है कि जो टीवी पे कोरियोग्राफर्स है वही मेन कोरियोग्राफर्स है, और वो अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग लेके चलते हैं। और मुझ जैसे कोरियोग्राफर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी जज बनकर वहाँ बैठी नहीं, तो इसलिए लोग मुझे उतना नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं जो मेरे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब गदर आई, ये एक गदर अपने आप में एक करिश्मा लेकर आई है, जो मुझे लगता है गदर में भी बिल्कुल
सामने आए बगैर लोगों को पता था कि शबीना खान ने किया ये करिश्मा, ये फिल्म अपने आप करिश्मा लेकर आई है, हर किसी को एक एक्सपोजर दे रही है ये फिल्म, क्योंकि जो ये अपने आप दे रही है, ये अपने आप दे रही है, ये दुआएं हैं, ये मोहब्बत है, ये ऑडियंस अपने आप सबको दे रही है। कई लोगों ने तो जाकर फिर से गूगल किया कि गाने किसने किए और मुझे बताया, हमें तो पता नहीं था, फिर हमने गूगल किया। लाइक जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना जो गाने को जज करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कोरियोग्राफर्स। अभी रिसेंटली जब ये दोनों गाने रिलीज हुए, आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग एंड लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है, एंड आई फेल रियली हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस, उनके अलावा भी देयर आर कोरियोग्राफर्स, ये गदर लेकर आई है। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शोज में जिस तरह का डांस दिखाता है और फिल्मों में जिस तरह का डांस हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं, ये खासकर यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती है? देखो रियलिटी शोज के जो डांसेस है वो शो डांस है, आप डायरेक्ट उनको देखते हो और उनकी स्टेप्स का लिरिक्स के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो सामने बैठी हुई ऑडियंस के हिसाब से स्टेज का डांस करते हैं, जो 8 के और 16 के ब्लॉक्स होते हैं आप देखेंगे नॉर्मली उसमें लिरिक्स का लेना देना नहीं होता। लेकिन फिल्म के जो गाने होते हैं, जहाँ तक कि मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ लिरिक्स के साथ जाना, अल्फाज जो कह रहे हैं उसके मतलब को निकाल के अपने कैरेक्टर के थ्रू लेके आना मुझे बहुत पसंद है, जो हमने गदर में भी किया और मैं अपनी हर फिल्म में करती हूँ, करती आई हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है जो गदर में जाके फ्लॉरिश हो गई। गदर ने अपना चार्म मुझ पर डाल दिया कि जो बरसों से कर रही थी आज वो खुल के सामने आ गया। बहुत डिफरेंस है टीवी के डांसेस में और फिल्म के डांस में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में जो हमारे कलाकार करते हैं, जो इन दोनों ने किया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये अचीव करना इतना आसान नहीं है। जो झूम झूम गाना और चलते रेश्क में जो सबसे लास्ट में रिलीज़ हुआ, आज लोग उस गानों को देखने थिएटर में जा रहे हैं, लोग जीते को देखकर पागल हो रहे हैं, कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते हैं, झूम झूम हम 2-2 घंटा चलते रेश्क में देख रहे होते हैं। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोसी सब वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे हैं दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स भर चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि भाई अब यहाँ सराहा जा रहा है। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देखकर फिर थिएटर में जा रहे हैं, मुझे आज टिकट नहीं मिली। तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट, वी वर नॉट गिविंग, इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस है। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट यू नो अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हमेशा, और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दे आर पार्ट ऑफ गदर। के लोग अब ये नहीं बोल रहे कि अरे वो साउथ की फिल्में आर आर वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है, वो इमोशन, वो फैमिली का, बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है, हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं सिनेमा पे घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते, बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से कनेक्ट होना है, हमें अपनी ज़मीन ही देखनी है, जो अनिल जी ने प्रूव कर दिया। यू नो हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कोरियोग्राफर सक्सेसफुल रहे, वो आगे चलकर डायरेक्टर बने, आपका भी क्या कुछ इस तरह से प्लान है? नहीं, मुझे अच्छी कोरियोग्राफर रहने दो हमारे पास, हमारे थोड़ा है, मतलब मैं लोगों को लाना चाहती हूँ, वो दिन शायद दूर नहीं। नहीं, बट मैं यही बोलती हूँ कि मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह करती हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं कोरियोग्राफर्स को इस जोन में लाना चाह रही हूँ। मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ गदर के बाद कि मैं कोरियोग्राफर्स को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम एंड वर्क दिस वे, यू नो लेट्स मेक गुड फिल्म विद आवर डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट अस। व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे, जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे, आप शायद लोग जानते नहीं उनको, मैं उनको फॉलो करती थी, राजू मास्टर जी, ही इज़ अ ब्रिलियंट
सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे। आज भी वो करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर्स, दे वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस, लेट्स एनहांस अवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो अच्छे से कर रही हो तो करने दो मुझे अभी है। ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों पे, इनके ऊपर भी बहुत थी क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने, तो उनके लिए भी बहुत चैलेंज था। हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस परिप्रेक्ष्य में पेश करूँ, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एक एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही है कि एक वो ना समझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको, हम मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे एंड ये एक्सक्लूसिव है आप सबके लिए। हाँ, वो ये कर रहे थे है। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ एंड केबल के सहारे वो करना था। तो वो गाना शूट करने के पहले था एंड नेक्स्ट डे से गाना था। हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और चार शॉट कर चुके थे। चार शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट से। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टंट में कुछ केबल वालों का मिसकोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी है। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें, फिल्म गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टांग पे किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले जाइए, चले जाओ आप आराम, आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, एंड ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे ये स्टेप के बाद, अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस्ड ओनली ऑन लेफ्ट फुट। तो जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की एंड ही डांस्ड ऑन लेफ्ट पैर, राइट को रखना था एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है आपने, एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए, एक्सक्लूसिव है ये, अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट, हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे जिसमें जीते का बहुत सारा डांस था। और उसके बाद जब सेट पे जाके ऐसा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होता है। हम 7 दिन कोल्ड वेव में काम कर रहे थे और उसमें ये सिचुएशन आए और इसको सबको, अगर ये खड़ा नहीं होता जीते कि मैं करूँगा तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। एंड ही सेड मैम मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं कर लूँगा। और उसके बाद ही नेवर सेड नो एंड ही डिड सनी सर का जो पूरा डांसिंग है, याद है, ही डिड द होल थिंग। सेकेंड डे ही उसने वो डांस किया सनी सर के साथ, पूरा डांस करना, ये स्टेप करना। तो ये भी एक चैलेंज की बात है कि मंझे हुए कलाकार भी हार जाते हैं वहाँ पर, यू नो, उत्कर्ष ने हिम्मत, टीम वर्क था, इट्स अ टीम वर्क। हम हर गाने में हमारे साथ, हर गाने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये जो जो तुम प्रेशर की बात कर रहे थे कि ये प्रेशर से ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी, यू नो, कि जैसे नजीब भाई हमारे कैमरामैन वो भी बोलते थे कि मैंने पहली फिल्म भी शूट की है लेकिन अभी मुझे बहुत सही करना है। ये ज़माना 22 साल बाद बहुत अलग दौर में है हम,
फाइट मास्टर कॉस्ट्यूम, हर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, जिम्मेदारी ले रहे थे सब। एंड मुझे याद है कि हर गाने के पहले मैं तीन तीन चार चार रात सो नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ जाती थी कि नहीं, मुझे कुछ और क्रिएट करना है, और मैं अपने अपने ख्यालात को रिकॉर्ड करना चालू करती थी। मैं रिकॉर्ड करती थी और अपने असिस्टेंट्स को भेजती थी कि इसको लिख के रखो। तो वो प्रेशर नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं सेंसिबली क्या करना चाह रही थी इतने साल से। ये गदर में मैंने अपने आप को भी प्रूव किया। और दूसरा जय मास्टर जी, उन्होंने इतने कल्ट गाने किए, इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज़ किए कि लोगों के दिमाग में वो छाप बैठी हुई थी। अगर मैं कहीं गलत जाती वो गलत हो जाता, मैं गलत करना चाहती नहीं थी। मैं वैसे भी जो रिक्रिएटेड गाने होते हैं मैं हाथ तभी लगाती हूँ उनको नॉर्मली जब मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँ, वरना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब कोई ऐसे क्लासिक गानों को ख़राब कर देता है। और मेरे पास तो सामने ये पूरी फिल्म थी, हर एक गाना, वो ऊर्जा काले कावा हो, उसके दो सैड वर्जन हमने किए, यू नो वो भी एक चैलेंज था जिस जगह हमने शूट किया। मतलब जीते, वो जो सैड वर्जन है जो आप लोगों ने देखा होगा, जीते अंदर छुपा हुआ है, ये जब निकल के जिस दीवार के नीचे से आ रहा है वहाँ पे सांप थे पूरे, याद है तुम्हें? कोई नहीं कर पाता, सब डर जाते थे, क्योंकि जैसे ही हम जाते थे ऊपर सांप ऐसे पूरी दीवार के अंदर सांप होते थे, और सिर्फ इसको नीचे से निकलना है, रिटेक करना, और ये अकेला उस तरफ है जो बिल्कुल खाई है। वो एरिया ऐसा था कि अकेला कोई खड़ा नहीं हो सकता, एंड ही इज़ देयर, द एंटायर क्रू इज़ आउटसाइड एक बड़ी सी दीवार के इस तरफ। और मैं सोचती रहती थी कि मैं, ये अकेला है यहाँ पर, ये अकेला, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो अकेला खड़ा है, जल्दी करो। और वो 1, 2, 3, 4 के बाद उसको उस दीवार के नीचे से आना है, और वो भी ये हाथ रख के आता था। मैं इसको बोली, हाथ मत रख, उसमें सांप है। नहीं मैम, वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये फील के बगैर नहीं कर सकता। बोले वो हाथ रख रहा है शर्जिल, मैं ऐसी अपने दिल को थाम के बैठी होती थी। अनिल जी बोलते थे वो कर लेगा, तू फिक्र मत कर, और अनिल जी खुद सोच रहे उसको बोल हाथ मत रख, उसको बोल हाथ मत रख, ये बोलते मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, मैम मैं कर रहा हूँ। और वो 3 रिटेक के बाद वो शॉट पूरा हुआ और जान में जान आई। ऐसी कई चीज़ें हमने, यू नो हर गाने में एक नई कहानी थी कहने के लिए। पूरे 50 डिग्रीज लखनऊ के हीट वेव में चलते रेश्क में फिल्म हुआ है। मैं तो मजाक में कहता था कि इनको, इसको नंगे पैर डांस करवाएंगे। हाँ वही हुआ। ये जो चलते चलते रेश्क में जो गाना है उसके एक ऑथेंटिकली, वो ऑथेंटिक क्यों दिख रहा है उसकी एक खास वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप पीछे जो डांसर देख रहे हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉन्ग। वो सारे के सारे क्लासिकल डांसर्स हैं, दे ऑल आर 8 साल 9 साल 10 साल किए हुए क्लासिकल डांसर हैं, जो इनके साथ अदाएँ जो डाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज दे वर क्लासिकल डांसर, दैट सॉन्ग लुक्ड सो ऑथेंटिक, यू नो। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स को इस गाने में लिया गया। जो सोचा गया था वही आ गया सामने, और लोगों को वही पसंद आ रहा। वो भी आई थिंक एक दिन पहले उनका ऑडिशन लिया था हमने, दो दिन पहले। हाँ, वहाँ पर सारे डांसर्स का ऑडिशन लिया था। वी ऑडिशन नियर अबाउट 500 डांसर्स एंड वी सिलेक्टेड सम 150 और 100। एक्सपोजर क्या मिला है वो तो मुझे पता नहीं है, बट इतना ज़रूर सुन रही हूँ कि लोगों ने मुझे इंडिया की क्रश बना दिया है, मुस्कान भाभी बना दिया है। मुस्कान भाभी तो मतलब तो अब जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ चलते रिश्क में दिल झूम झूम बज रहा है, और हर जगह ग्राउंड लेवल पे जो नहीं भी जानते वो गदर की ही बातें कर रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, और एक्सपोजर इतना बड़ा होता क्या है तो मुझे पता भी नहीं है। ये तो अब मैं देख रही हूँ जब निकलती हूँ लोग मुझे बुला रहे हैं, मुस्कान इधर आओ मुस्कान मुस्कान, तो लग रहा है कि हाँ कुछ हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया है। मुझे एक्चुअली कमेंट भी आ रहे, बोलते हमें हिंदुस्तान से और कोई शिकायत नहीं, बट वो हमारी मुस्कान ले गए, प्लीज़ हमारी मुस्कान को भेज दो वापस से। लेकिन ये मुझे भी बहुत सारे DMs आते हैं एंड दे आस्क कि लड़की एक्चुअली पाकिस्तान से है या ये अफगानिस्तान से है, ये लगती तो नहीं हिंदुस्तानी। हाँ, क्यों, इंडिया में खूबसूरत लड़कियाँ नहीं होती? दे बिलीविंग दैट बिना बोले पाकिस्तान से किसी लड़की को लेकर आए। लाइक हाँ, मैंने सोचा था अगर डेब्यू करूँगी तो ऐसे ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है, आई थिंक ये बड़ों का आशीर्वाद है, और ये सब जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, अनिल सर जिन्होंने,
बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं दूसरी लड़की ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बट आई थिंक उनकी जो नज़र थी, उन्होंने जो एक भरोसा किया मुझ पे, और वो अड़ गए थे कि नहीं लड़की तो यही लूँगा मैं। आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है और मुकेश छाबरा सर को जाता है, जिन्होंने मुझे, जिन्होंने कास्टिंग की है मेरी, तो आई थिंक बिग थैंक्स टू देम। और उसके बाद में सीन्स तो चलो अच्छे हो गए, बट जो मुझे मेरा मेन नाम मिल रहा है वो चलते रहे इश्क के वजह से मिल रहा है। एंड अगेन शबीना मैम, आई कांट थैंक यू एवर इन माई लाइफ जो आपने मुझे ये सॉन्ग डेब्यू मूवी में दे दिया है। रख दो, मैं तो कह रही जो प्यार से आप बुलाना चाहो मुस्कान रख दो। अगर अगर जनता कहती है मुस्कान रख दो तो मुस्कान रख लेंगे। हाँ, अब तो सिनोनिमस हो गया है, बट वो देखिए जनता का प्यार है। अलग अलग किरदार तो करते रहने हैं लाइफ में, और भी किरदार ऐसे करेंगे जिनसे आपको प्यार हो जाए, तो बस यही कामना है। और अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हमारे साथ जुड़े रहें तो अच्छे अच्छे गाने भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।